नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन के जो नियम हैं और कुछ शर्तें रखी गई हैं जिसका असर आप सभी पर पड़ने वाला है, तो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, पति और पत्नी दोनों हो केंद्रीय कर्मचारी और सेंट्रल सिविल सर्विस यानी कि CCS पेंशन नियम 1972 के तहत कवर है, तो उनकी मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो फैमिली पेंशन मिल सकती हैं। इस पेंशन की अधिकतम सीमा है दोस्तों 1.25 लाख रुपए हो सकती हैं और इसके लिए कुछ नियम और शर्तें हैं जिसके तहत इस पेंशन को दिया जा सकता है। तो दोस्तों, क्या नियम है वो हम आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के साथ उनके परिवार की भी सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। केंद्रीय कर्मचारी सेवा 1972 नियम 54 के तहत सब रूल 11 के तहत दोस्तों, अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं और इस नियम के तहत आते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाने पर उनके बच्चे माता पिता दोनों की पेंशन के लिए हकदार होंगे। नियम के मुताबिक दोस्तों, सर्विस के दौरान या फिर रिटायरमेंट के दौरान अगर किसी एक पेरेंट्स की मौत होती है तो पेंशन जीवित जो पेरेंट्स यानी कि पति या पत्नी दोनों को मिलती है। दोनों की मृत्यु होने पर उनके बच्चों को दो पेंशन मिलेगी। पहले पेंशन पर यह था जो नियम था, पहले अगर दोनों पेंशन की मौत हो जाती है तो रूल 54 के सब रूल 3 के मुताबिक बच्चे या बच्चों को मिलने वाली दो पेंशन की सीमा 45,000 रुपये थी। रूल 54 के सब रूल 2 के मुताबिक परिवार की पेंशन 27,000 रुपये पर महीना लागू होगी। 5,000 और 27,000 रुपये पेंशन की सीमा छठे वेतन आयोग के मुताबिक CCS नियमों के रूल जो 54 के तहत सबसे ज़्यादा भुगतान 90,000 रुपये प्रति महीने के 50% और 30% की दर पर हैं। दोस्तों, पेंशन पर क्या है नया नियम उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, सातवां वेतन आयोग के बाद सरकारी कर्मचारी के पेमेंट को रिवाइज करके 2.5 लाख रुपए पर महीना कर दिया गया है। इसके बाद से कर्मचारी हैं उनके बच्चों को मिलने वाली पेंशन में भी बदलाव हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर यानी कि DOPPW के नोटिफिकेशन के मुताबिक दो सीमाओं में बदलाव कर उन्हें 1.255 लाख रुपये पर महीना और 75,000 रुपये प्रति महीना किया जाएगा। ये थी दोस्तों आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे ऐसे ही बड़े अपडेट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को हमारी ओर से जय हिंद, जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद।